हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G45 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट होने पर भी उसमें नो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ऑप्शन होता है, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे सिलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच का, इसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको है ना ये क्लियर कैच का ऑप्शन मिलता है, क्लियर कैच पे टैप करना है, तो इससे आपका कैच के साथ का डेटा ये जीरो हो जाता है। इसका मैंने पहले से क्लियर कैच कर रखा है, इसलिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है इस तरीके से, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस का, ये वाला मेटा सर्विस पे सिलेक्ट कर लेना है। अब इस वाले पेज में भी आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी आपको एक क्लियर कैच का ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो इससे आपका एक कैच के साथ का डेटा ये भी आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों को आपको यूज करना है, इससे आपकी नो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए, आपने जिस कंपनी का वाईफाई कनेक्शन ले रखा है ना, उस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर को या फिर उसके कस्टमर केयर पे सपोर्ट कर लेना है, कांटेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन बचता है, नहीं तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।